दोस्तों, भारत अपने अंदर कई रहस्य को समेटे हुए है जिसकी गुत्थी आज तक नहीं सुलझ पाई है और शायद ये कभी सुलझ भी ना पाए। देश में कई ऐसी जगहें हैं जिनके बारे में सुनकर हम बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते हैं। इतना ही नहीं, सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेशों पर भी ऐसी जगहों के बारे में बहुत चर्चा होती है। आज हम आपको भारत में मौजूद एक ऐसे ही रहस्यमय जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जी हाँ, एक ऐसा गांव जहां लोग खुद को यूनानी सम्राट सिकंदर का वंशज मानते हैं, एक ऐसा गांव जहां भारत सरकार भी घुसने से कांपती है, एक ऐसा गांव जहां भारत सरकार का एक भी कानून नहीं चलता, और तो और इस गांव में खुलेआम चरस और गांजे के व्यापार किया जाता है। आज हम इस गांव को हैरान कर देने वाले रहस्य के बारे में जानेंगे, तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। हिमाचल प्रदेश का एक प्राचीन भारतीय गाँव है जो बाकी दुनिया से अलग है। आप सभी कुल्लू मनाली के बारे में तो जानते ही होंगे। ये जगह कुल्लू जिले से करीब 12,000 फुट की ऊंचाई पर बसा है। इसके चारों तरफ गहरी खाई और विशाल पहाड़ मौजूद हैं। इस सुंदर से गांव का नाम है मलाना। इस गांव में इतने ज़्यादा रहस्य भरे हुए हैं जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। जैसा कि आपको पता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, लेकिन आपको जानकर काफ़ी हैरानी होगी कि हमारे देश में एक ऐसा गांव है जहां भारत का कोई भी नियम और कानून नहीं चलता। क्योंकि इस अजीबोगरीब गांव में न सिर्फ अपना खुद का जुडिशियरी सिस्टम है बल्कि साथ ही इनका एक अलग पार्लियामेंट भी है। यहां के लोग किसी भगवान को नहीं बल्कि मुगल बादशाह अकबर की पूजा करते हैं और खुद को सम्राट सिकंदर का वंशज मानते हैं। इस गाँव से जुड़ी हर एक चीज बेहद ही अजीब और रहस्यमय नजर आती है। इस गांव के इतिहास की बात की जाए तो यहां रहने वाले लोगों द्वारा कहा जाता है कि इस गांव में जमलू ऋषि नाम के एक बहुत ही शक्तिशाली संत महात्मा रहते थे और ये गांव वाले जमलू ऋषि को ही अपना देवता मानते थे। साथ ही यहां ये भी माना जाता है जब सिकंदर भारत में आक्रमण करने के लिए आया था तो उसके साथ आए कुछ सैनिकों को उसने यहीं छोड़ दिया था और उन्ही सारे सैनिकों ने एक साथ मिलकर इस गांव को बसाया था। यही वजह है कि ये लोग आज भी खुद को सिकंदर का वंशज मानते हैं। साथ ही ये लोग एक अजीब सी भाषा का प्रयोग करते हैं जिसे ये कनासी भाषा कहते हैं। यह एक अजीब तरह का चीनी तिब्बती भाषा है और हैरानी की बात तो यह है कि इनकी इस भाषा में कुछ ग्रीक शब्द का भी इस्तेमाल किया जाता है। ये गांव असल में तो हमारे भारत का ही एक हिस्सा है, लेकिन यहाँ रहने वाले लोग खुद को भारतीय नहीं मानते और ना ही भारत की किसी भी कानून को मानते हैं। ये गांव वालों ने अपना खुद का कानून और जुडिशियरी सिस्टम बना रखा है जिसे ये सालों से पालन करते आ रहे हैं। साथ ही इस गांव में अपने खुद के पुलिस ऑफिसर्स भी हैं जो सिर्फ मलाना के कानून को फॉलो करते हैं। इसके अलावा गांव के सभी तरह के मामलों को निपटने और फैसला करने के लिए यहां संसद भवन के रूप में चौपाल भी लगाई जाती है और सभी तरह के मामलों को सदन के द्वारा फैसला करके ही निपटाया जाता है। अगर कोई मामला सदन के समझ में ना आए तो उसको अंतिम पड़ाव यानी जमलू देवता के ऊपर छोड़ दिया जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गांव वाले जमलू ऋषि को ही अपना देवता मानते हैं, इसलिए उनके द्वारा लिया गया हर एक फैसला आखिरी फैसला माना जाता है। इस गांव में जमलू ऋषि के द्वारा सुनाया जाने वाला फैसला बड़े ही अजीब तरीके का होता है। जिन भी दो पक्षों का मामला होता है उनसे पहले अपने अपने दो बकरे मंगवाए जाते हैं। इसके बाद उन दोनों बकरों को जमलू ऋषि के सामने रखा जाता है, फिर उनके ऊपर एक चीरा लगाया जाता है और उस चीरे में जहर भर दिया जाता है। जिस भी पक्ष का बकरा पहले दम तोड़ देता है उसी बकरे के मालिक को दोषी माना जाता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग मुगल बादशाह अकबर को पूजते हैं और शायद ये दुनिया की अकेली ऐसी जगह है जहाँ बादशाह अकबर का पूजा किया जाता है। दरअसल अकबर की पूजा करने के पीछे इन गांव वालों की एक दिलचस्प कहानी है। बताया जाता है कि अकबर के शासनकाल के दौरान उनके कुछ सैनिक टैक्स लेने के लिए मलाना गांव आ पहुंचे थे, लेकिन जमलू ऋषि ने उन्हें टैक्स देने से साफ मना कर दिया क्योंकि इस गांव में टैक्स देना एक अपमान की तरह लिया जाता था। लेकिन लाख कोशिश के बावजूद सैनिक जमलू ऋषि से एक सोने का सिक्का वसूल ही लेते हैं। हालांकि इन सिपाहियों को हैरानी तब होती है जब इन्होंने अपने खजाने को खोल कर देखा, क्योंकि जो सिक्का उन्होंने मलाना गांव से लिया था वो खजाने में नीचे बैठने के बजाय हवा में अपने आप उड़ रहा था। उन सिपाहियों ने वापस लौटते ही यह बात बादशाह अकबर को बताई, लेकिन बादशाह अकबर को जमलू ऋषि की शक्तियों के ऊपर भरोसा नहीं हुआ। उनकी शक्तियों को आजमाने के लिए अकबर ने जमलू ऋषि के पास पैगाम भेजा कि अगर उनके पास सच में कोई दैवीय शक्ति है तो वो आगरा में बर्फबारी करके दिखाएं। बताया जाता है कि अकबर के द्वारा पैगाम भेजने के अगले दिन ही आगरा के अंदर जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई
और बर्फबारी का ये नजारा देखकर बादशाह अकबर भी हैरान हो गए थे। इस गांव की एक और बात जो लोगों को बेहद ही अजीब और रहस्यमय लगती है वो यह है कि यहाँ बाहर के किसी भी व्यक्ति को कोई भी चीज छूने की अनुमति नहीं है और इसके लिए गांव में जगह जगह नोटिस भी लगे हुए हैं। इसके बावजूद भी अगर कोई यहाँ की किसी भी चीज को छू देता है तो उसके ऊपर 1000 से लेकर 2500 तक का जुर्माना लगाया जाता है। यहाँ तक कि यहाँ की किसी भी दुकान में कुछ खरीदने के समय बाहर के लोगों को दुकान के सामान को भी छूने की अनुमति नहीं है। अगर यहाँ कोई बाहर का आदमी कुछ भी खरीदता है तो पहले वो अपने पैसे को दुकान के बाहर रख देता है, उसके बाद दुकानदार उस पैसे को लेकर उस पैसे की जगह पर सामान रखकर चला जाता है। दुकानदार के जाने के बाद ही वो आदमी अपने खरीदे हुए सामान को वहां से उठा सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये गांव अपने अजीबोगरीब रीति रिवाजों और रहन सहन के अलावा नशे का व्यापार के लिए भी काफी फेमस है। इस गांव में मिलने वाला चरस गांजा लोगों के बीच बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, जिसको दुनिया भर में मलाना क्रीम के नाम से जाना जाता है। ये लोग बिना किसी डर के खुलेआम नशे का व्यापार करते हैं। बताया जाता है कि पुराने समय से ही नशे के व्यापार की कमाई इन लोगों के मुख्य आमदनी का स्रोत है। दोस्तों, ये थी भारत के सबसे रहस्यमय गांव मलाना गांव के रहस्य के बारे में। अगर आप भारत में मौजूद ऐसे ही रहस्यमय जगहों के बारे में जानना चाहते हैं तो चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं।